वेल हेलो नमस्कार, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात अब बार बार होगी। मैंने चुने हैं 50 ऐसे सेलिब्रिटीज जिनको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं पहले कैटेगरी की, जिसका नाम है ना भाई ना। इस कैटेगरी में वो सेलिब्रिटीज आते हैं जिन्होंने अगर उस कैरेक्टर को डब करने से मना कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। जिसमें 50वें नंबर पर है मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी, जिन्होंने डब किया है एक ऐसे किरदार को जिनको मोस्ट ऑफ द पीपल उनकी भारी आवाज और दमदार किरदार यानी के थॉर के नाम से जानते हैं। पर MIB इंटरनेशनल में सिद्धांत की आवाज क्रिस पर कुछ खास जम नहीं रही। सच कहूंगा भाई, अखला बहुत हार्ड है भाई। भाव पुराना है लेकिन बहुत नया जैसा, एकदम रैपचिक जैसा, एकदम मस्त, एकदम अच्छा। मिस्टर रणवीर सिंह, जिन्होंने डेडपूल 2 में मेन लीड कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी, पर ज्यादातर लोगों ने इनकी आवाज को नापसंद ही किया था। अब कान खोल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूँ। सोनू सूद ने कब किस कैरेक्टर को आवाज दी और निकल लिए पता भी नहीं चला। मैं तुम्हें सिर्फ उस दरवाजे तक लेके जा सकता हूँ, उसके बाद हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये मैं भी नहीं जानता। वरुण धवन की आवाज कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर पर सूट भी कैसे कर सकती है। अगर वो हमें ऐसी जगह भेज दे जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, तो अगर हम वहाँ ना जा पाए जहाँ हमारी जरूरत हो, तो परफेक्ट ना सही, लेकिन सबसे महफूज हाथ हमारे अपने ही है। परिणीति चोपड़ा, इन्होंने BFG मूवी में एक छोटी सी लड़की जो तकरीबन 11 साल की होगी उसको अपनी वॉइस दी है। ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में अगर आप उसकी आवाज सुनोगे, उस लड़की की आवाज सुनोगे, तो बहुत ही ज्यादा पतली है और परिणीति की आवाज थोड़ी भारी। उसे चलाने वाली मेट्रन बहुत खड़ूस थी और उनके अजीब नियम थे, और पता है वो बात बात पर सजा भी देती थी। आप सभी के और इवन मेरे भी फेवरेट कलाकार मिस्टर अक्षय कुमार, सैडली मुझे इनको ना भाई ना के कैटेगरी में रखना पड़ रहा है, क्योंकि अक्षय सर की आवाज का बेस थोड़ा बढ़ाया गया है और उसको थोड़ा रोबोटिक कर दिया गया है ताकि उस कैरेक्टर में उनकी आवाज फिट हो सके। हमारे ऑटोबॉट्स अंतरिक्ष यान वहां जाने के काबिल हैं। दुआ कीजिए कि वो अपने मिशन में कामयाब हो। रणवीर शौरी और विनय पाठक, जिन्होंने रियो मूवी में अपनी आवाज दी थी, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि एक दो लाइंस के लिए आप सेलिब्रिटीज को डबिंग के लिए क्यों बुला रहे हो। उनके अलावा आप हमारे डबिंग आर्टिस्ट को ही यूज कर लीजिए। यो यो यो, सुनो सभी पार्टी पंचियों, आज हमारे साथ है दो खास मेहमान जिन्हें हमें दिखाना है हमारी पार्टी का जलवा। ओए पहले तो डोले, ओए तो फिर शोले, और फिर से घूरते हुए यू मारी आंख और चौकरी हो गई पटक। वैसे ही शेफाली शाह और माधुरी दीक्षित, ये मेरा बच्चा है, मेरा अपना, इसीलिए वापस चले जाओ मुंह जले शैतान। ये तुम्हारा ही घर है मोगली, कोई चाहे कुछ भी कहे तुम ये बात कभी मत भूलना, समझे। अब बात करते हैं ओके ओके 10 की। इस कैटेगरी में ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं जिनकी आवाज कैरेक्टर पर थोड़ी बहुत सूट हो जाती है, जिसमें 40वें नंबर पर है मिस्टर अरशद वारसी। इन्होंने बखूबी जैक स्पैरो को अपनी आवाज के साथ मैच किया था, लेकिन इन्होंने रिप्लेस किया था लेजेंडरी द राजेश खट्टर जी को, जिन्होंने लगातार 4 फिल्म्स में जैक को अपनी आवाज देके इंडिया में फेमस कर दिया था। इस जहाज पे सब आदमी अनपढ़ है, मतलब हमारे लिए हर नक्शा वो नक्शा है जो कोई आदमी नहीं पढ़ सकता। नीति मोहन, जो एक बॉलीवुड प्रोफेशनल सिंगर भी है, और इन्होंने आवाज दी थी एक एनिमेटेड कैरेक्टर को जिसका नाम है रैपंज़ेल। आई लव यू यूजीन, पर मैं नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल नहीं। सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर मिस्टर बप्पी लहरी, जिन्होंने मोआना फिल्म में एक विशाल से केकड़े को अपने टिपिकल बंगाली टच में आवाज दी थी। ऐशोना, कोई भी एक आंख में देखो, तुम इधर उधर देखता है तो कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है, तो कोई भी एक आंख में देखो, एनीवन। मिस्टर संजय मिश्रा जी, हाल ही में रिलीज हुई लायन किंग मूवी में इन्होंने पुम्बा को अपनी कॉमिक अंदाज में आवाज दी थी, पर अल्टीमेटली जब सालों से चलती हुई आवाज को रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो कानों को थोड़ी सी खटकती है। अपने को मांगता है एक मोटा भरा पूरा मस्त बॉडी, तुम सब मेरे को क्यों देख रहे हो। कॉमेडी एंड स्टैंड अप के बादशाह मिस्टर कपिल शर्मा, जिन्होंने एंग्री बर्ड्स 2 में रेड के किरदार को अपनी आवाज से नवाजा है। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए हमें चाहिए
एक हीरो। सोनाक्षी सिन्हा, जिन्होंने रियो 2 में अपनी आवाज दी थी वन ऑफ द लीड कैरेक्टर ज्वेल को। बच्चे फल फूल रहे हैं, जंगल में तीनों कितने खुश हैं। अर्चना पूरन सिंह, इन्होंने भी कपिल के साथ साथ एंग्री बर्ड्स 2 में डबिंग की है और वो जो कैरेक्टर है वो मजाकिया विलन कैरेक्टर है। आज मेरी बेबी बहुत हुआ, ये बर्फीला कुकड़ी जमा देने वाला ठंडा आइलैंड। मिस्टर अर्जुन कपूर, वैसे इनकी आवाज बक के कैरेक्टर पर सूट तो करती है, पर अगेन इन्होंने भी रिप्लेस किया है दी राजेश खट्टर जी को। स्पेस से गिरेला पत्थर, एकदम फ्रेश माल है। इमरान खान, जिन्होंने सोनाक्षी के साथ रियो 2 में मेल लीड को अपनी आवाज दी थी। मैं ब्रेकिंग न्यूज देने आया हूँ, पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? अमेज़न, मजा आएगा ना। और ओके ओके 10 की कैटेगरी में 31st नंबर पर है मिस्टर जकास अनिल कपूर। बेशक तू अलग है, तभी तो तुझे खास ट्रेनिंग देनी पड़ी, लेकिन पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ध्यान नहीं देता। अब बारी है कैटेगरी बहुत खूब 10 की। इस कैटेगरी में ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी आवाज कैरेक्टर पर काफी हद तक सूट होती है, जिसमें 30वें नंबर पर है मिस्टर दीपक तिजोरी। क्योंकि मैं हूँ मिस्टर इनक्रेडिबल, ना कि कोई ऐरा गैरा, मिस्टर मामूली मियां नहीं, मिस्टर इनक्रेडिबल। सुनिधि चौहान, इन्होंने 2 हॉलीवुड मूवीज में अपनी आवाज दी है, एक है रियो, दूसरी है फ्रोजन। पंछी उड़ने के लिए बने हैं और उड़ना आजादी है, जमीन से आसमान तक की आजादी। गुलशन ग्रोवर, जिन्होंने BFG मूवी में मेन विलन को अपनी दमदार आवाज दी है। अब जब निन्नी उड़न फू हो गई तो क्यों ना थोड़ी थोड़ी मटर मस्ती हो जावे। ब्रजेश हीर जी, वैसे इस टैलेंटेड एक्टर ने बहुत से मूवीज में डब किया है, उनमें से एक है द इनक्रेडिबल्स 2। बच्चा पार्टी खतरे में है ना, बॉस लोग गलती करते हैं कभी कभी, विंस्टन से कहना मैंने संभाल लिया। असरानी साहब के कॉमिक अंदाज और उनकी यूनिक सी आवाज को कौन नहीं पहचानता। ओह, बज गई खतरे की घंटी, शायद कोई आ रहा है। ओह रुको, जाने दो, ये तो मेरी ही परछाई है भाई। कपिल शर्मा शो की जान बच्चा यादव यानी किक्कू शारदा, एंग्री बर्ड्स 2 में आप इनको एक पिग के कैरेक्टर में सुन सकते हैं। रेडवा, हमें एक तीसरा आइलैंड मिला है, हम सबको गुस्सा थूक के साथ में काम करना पड़ेगा। मिस्टर अरमान मलिक, जिन्होंने अपने गानों से सबका मन जीत लिया और साथ ही उन्हें मौका मिला अलादीन की लाइव एक्शन मूवी में अलादीन को हिंदी में डब करने का। डर से तो मेरा पुराना इश्क है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। 23 और 22वें नंबर पर है करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने एक ही कैरेक्टर को पर अलग अलग मूवीज में अपनी आवाज दी है। कभी कभी डरना ही अकल का काम होता है बच्चे। मेरे पास रहोगे, बहुत पास रखूंगी। बहुत खूब 10 के 21वें नंबर पर है मिस्टर टाइगर श्रॉफ। बात करें इनकी वॉइस एक्टिंग की तो इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है। वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था, पर आप सुनते कहां हैं? ऐसा सब कुछ होता ही नहीं अगर आपने मेरी बात सुनी होती। अब बचे हैं बेहतरीन 10 और अल्टीमेट 10। इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने डब किए हुए किरदारों में जान डाल दी थी। तो बेहतरीन 10 में है 20वें नंबर पर श्रेयस तड़पदे। अरे ये शेर नहीं हो सकता, चल अपन देख के बता दे। चले हवा आने दे, देखे तो क्या बोल रही है पब्लिक, ये तो शेर है। अरे तो शेर है, भाग भाग बुम्बे भाग, लाइफ के लग गए बुम्बे। 19वें नंबर पर है मिस्टर दलीप ताहिल जी, जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के 5वें पार्ट में विलन को अपनी आवाज दी थी। जैक स्पैरो को ढूंढो और उसे ये पैगाम दो, कप्तान सालाजार का सालाजार। पंकज कपूर को तो आप जानते ही होंगे, शाहिद कपूर के फादर, इन्होंने भी किसी कैरेक्टर को डब किया है और कोई ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं, गांधी जी। जनरल डायर बर्बरियत की जिंदा मिसाल है सबके सामने, आपको जाना ही होगा। विवेक ओबेरॉय ने भी अपनी वॉइस एक बहुत ही उम्दा एक्टर के लिए दी है, जिनका नाम है जेमी फॉक्स। हाई इंटेंसिटी कैपेसिटर्स जैसे ऑस्कॉप में बनाते हैं, ये सब क्योंकि
आप मेरी मदद करना चाहते। अपने एक्टिंग की एक अलग ही पहचान बनाने वाले मिस्टर इरफान खान ने जंगल बुक में बलू के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। यार सर्दी आ रही है, खा के 4 महीने सोना पड़ता है, तू क्या चाहता है पुक्का सो जाऊं। सरप्राइजिंगली बेहतरीन 10 के 15वें नंबर पर है मिस्टर अभिषेक बच्चन। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह हो जहां शेर खान कभी नहीं जाएगा तो वहां तुम सुरक्षित रह सकते हो। बाहुबली के हिंदी आवाज के बारे में आपको पता ही होगा। रिसेंटली अगर बात करें तो हॉब्स एंड शॉ में भी इनकी आवाज आपको सुनाई देगी, पर जो सबसे बेहतर है वो है ये। तुम जमीन के अंदर जाओगे मेरे बच्चे, पृथ्वी की गहराई में उन्होंने जो कुछ भी बनाया है खत्म कर दो। लायन किंग में वैसे एक्टर्स की भरमार है, पर अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं मिस्टर आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने अपनी बैरिटोन वॉइस में स्कार को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। मुफासा और सिम्बा नहीं रहे, अब मैं ही तुम्हारा महाराजा हूँ। मिस्टर ओमपुरी जी अब हमारे साथ नहीं है, पर उनकी आवाज को कोई भुला नहीं सकता। बोली को बचाने का एक ही रास्ता है कि वो इंसानों की बस्ती में चला जाए। मदद करोगे दोस्त? बेहतरीन 10 में सबसे आखिर में और 11वें नंबर पर है बॉलीवुड के उम्दा सिंगर मिस्टर शान। हाय, हेलो, मैं हूँ ब्लू। ब्लू यानी नीला, नीले आंखें, नीला गगन, नीला, मैं तो ढीला हो गया। अब बारी है अल्टीमेट 10 की, तो 10वें नंबर पर है नन अदर देन मिस्टर शाहरुख खान। ना मैं लायन किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द इनक्रेडिबल्स की। यहाँ क्यों आई हो और कितना बर्बाद कर सकती हो मुझको, और क्या चाहती हो तुम मुझसे। नंबर 9 पर है एक्टिंग के शहंशाह और अपनी स्पष्ट हिंदी के उच्चारण के लिए जाने जाने वाले मिस्टर अमिताभ बच्चन। और उन दैत्यों के लिए इंसान देसी घी की जलेबी और रबड़ी की तरह है, इसीलिए यहाँ रहो क्योंकि तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। और नंबर 8 पर है कपिल शर्मा के शो में दादी के किरदार के लिए फेमस मिस्टर अली असगर। ओए तेरा दिमाग खराब हो गया, दिमाग तो आपका खराब हो गया, तूने मुझे लात मारी, आपने हमसे झूठ कहा। ओए मैं तेरे सच बता देता। नंबर 7 पर है द मैन विद द अल्टीमेट वॉइस और फ्रैंकली मेरे फेवरेट मिस्टर जावेद जाफरी। इन्होंने 90s के दशक में बहुत सारे कार्टून्स को अपनी आवाज दी थी, लाइक शेर खान, डॉन कर्नाड, मिकी माउस इत्यादि। मिस्टर लाजवाब, मदद को पुकारे, बचाओ, कोई बचाओ। शेम 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 बपरी शेम, बताओ तुमने किसे कांटेक्ट किया। नंबर 6 पर है मिस्टर अनुपम खेर जी। रसल, क्योंकि तुमने न सिर्फ मेरी हेल्प की है बल्कि अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है, ये काबिले तारीफ है। नंबर 5 पर है एक बहुत ही गुणी कलाकारा मिसेस काजोल देवगन। मैंने वही खेल खेला जो उसने खिलाया, लेकिन वो फिर आएगा, अपना खेल खेलेगा और वही जीतेगा। नंबर 4 पर है विवेक ओबेरॉय के फादर और दमदार आवाज के धनी मिस्टर सुरेश ओबेरॉय। सिम्बा, हमें बहुत अफसोस हुआ है, जानता हूँ आपकी जान जा सकती थी, आपने हमारे हुक्म की नाफरमानी की। नंबर 3 पर है मिस्टर नाना पाटेकर। आपको शायद ही बताने की जरूरत पड़ेगी कि इन्होंने किसे अपनी आवाज दी थी। जब तक मुझे वो इंसानी पिल्ला नहीं मिलता, ये इलाका मेरा है, समझदारी तो रास्ते आई ना तुम्हें, अब देखो डर क्या होता है। सरप्राइजिंगली उसी शेर खान की आवाज मोगली फिल्म के लिए बने हुए हैं मिस्टर जैकी श्रॉफ। और बॉस, ये होती है शेर की आवाज। क्या बात है, कितने बड़े हो गए हो तुम, कितने मनहूस हो तुम अपनी टोली के लिए। अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 की पोजीशन पर है मिस्टर सोनू निगम। दिखता तो बेकार है, ऊपर से जंग, अरे इस पे कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन ठीक से पढ़ा नहीं जाता। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बगल वाली घंटी है ना, उसे जरूर दबा देना। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।